भागलपुर में कार्यरत हूँ, स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और मैं हमारी जो संस्था भागलपुर मेनोपॉज सोसाइटी में उनकी सेक्रेटरी हूँ अभी। तो ये जो फिजियोथेरेपी डे पे हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं ये महिलाओं के लिए है और 35 प्लस महिलाएं जो हैं, हमारे पुरुष भी ज़्यादातर बूढ़े हो जाते थे और उसके बाद काल कवलित भी हो जाते थे, लेकिन अभी अच्छे मतलब माहौल, अच्छे अपने खान पान और चिकित्सक सुविधा होने की वजह से और व्यायाम योगा ये सब करती हैं महिलाएं और बहुत ध्यान भी देने लगी हैं महिलाएं, तो काफ़ी हद तक उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। तो लोगों है कि जो महिलाएं हैं आधी उम्र वो अभी अब मेनोपॉज के बाद बिता रही हैं, तो उनको स्वस्थ होना बहुत जरूरी है और इसके लिए उनको 35 इयर्स के बाद से ही सतर्क होना है कि उनकी हड्डियों में कमजोरी नहीं है, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोपेनिया, थोड़ी हड्डी कमजोर हो गई तो ऑस्टियोपेनिया, और उसके बाद का स्टेप ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब हड्डी जो है वो काफ़ी कमजोर हो जाता है और वो हड्डी फ्रैक्चर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और ये फीमेल्स में ज़्यादा, महिलाओं में ज़्यादा होती है और 35 के बाद ज़्यादा होती है, और ये अचानक से जब जैसे ही रजोनिवृत्ति होती है तो अचानक से ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए उनमें जोड़ों का दर्द और हड्डी टूटने की संभावना बहुत बढ़ती है। तो इसके रोकथाम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी वाले अपने आस्पेक्ट बताएंगे और क्यों हो जाता है और हम लोग इसे कैसे इसे निजात पा सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल जानकारी उसने देंगे। तो इसलिए हम लोगों का अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों तक ये बात पहुँचे और वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसका लाभ हो पाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजना प्रकाश, स्त्री रोग विशेषज्ञ भागलपुर से। 8 सितंबर को वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के अवसर पर भागलपुर के फिजियोथेरेपी एसोसिएशन ने इस वर्ष का विषय चुना है महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों और जोड़ों का लाइलाज बीमारी है, लेकिन इसकी बुनियाद बहुत कुछ हमारे खान पान से भी इसके पर असर पड़ता है। मोटापा बढ़ रहा है और शारीरिक गतिविधियां कम हो रही हैं और इसका नतीजा हो रहा है हमारे हड्डियों पर वजन बढ़ने से उन पर वजन बढ़ रहा है, और ऐसे भी उम्र बढ़ने पर 35-40 होने पर हम सभी जानते हैं कवर होता है कार्टिलेज का, वो घिस जाता है और उसमें दर्द शुरू हो जाता है, जो कि हमारे लाइफस्टाइल का एक बहुत बड़ा देन है। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दें, मॉर्निंग अगर अपने आप को हम चलायमान रखें, इसे कंट्रोल किया जा सकता है। रोककर हमारी नारी जो कि शक्ति है उनको हम जागरूक कर सके ऑस्टियो आर्थराइटिस के लिए। ऑस्टियो मतलब क्या? ऑस्टियो मतलब बोन, आर्थराइटिस बोन जॉइंट का इन्फ्लामेशन, जहाँ भी जॉइंट है वहाँ इन्फ्लामेशन। तो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट भाई बंधुओं के साथ हमारी जो ये मेनोपॉज सोसाइटी की वुमेन है या जो लोग हैं मेनोपॉज सोसाइटी, ये दोनों को ही मिल के हम लोग ये डे बना रहे हैं, जिसमें कि खास हम लोग उस पर ध्यान दिए हैं कि कैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस को कम किया जा सकता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस को कम करने के लिए फिजियोथेरेपी का क्या रोल है और फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल है, मेनली इसके बारे में जागरूकता होगी, जिसमें डॉक्टर प्रवीण कुमार फिजियोथेरेपिस्ट बोलेंगे। 8 सितंबर को हर वर्ष पूरी दुनिया में वर्ल्ड फिजियोथेरेपी दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार भी मनाया जा रहा है और इस बार का थीम है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस कहने का मतलब ये है कि जोड़ों में दर्द, जिस जोड़ पे हम लोग को वज़न ज़्यादा पड़ता है, जैसे घुटना दर्द, घुटना, एड़ी, हिप जॉइंट, कमर, गर्दन, कभी कभी उंगलियों में भी होता है, तो ऐसे ही दर्द को लेकर के इस बार ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक थीम दिया गया है। तो पूरी दुनिया में एक ही दिन, 8 सितंबर के दिन पूरी दुनिया में एक ही चीज़ पे बात होगी, वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो हम लोगों ने इस बार भागलपुर में जो है फिजियोथेरेपी एसोसिएशन, हर साल हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, बट इस बार हम लोगों ने एसोसिएट किया है भागलपुर मेनोपॉजल सोसाइटी को। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो फीमेल का रजोवृत्ति हो जाती है, मतलब जिनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है आफ्टर 45-50 ईयर्स के बाद, तो उनमें काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसके वजह से उनकी हड्डियाँ कमजोर